फॉर 2 ईयर्स 20। सर 20 क्यों? क्योंकि कौन सा मेथड है? SLM। कोई 19 नहीं निकाल रहा है ना? जिसने 19 निकाला उस नालायक ने क्या किया है? तो WDV एज ऑन डेट ऑफ सेल कितना था? 80। वेयर एज सेलिंग प्राइस कितना था सर? 75। क्या करूं? लॉस और प्रॉफिट? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट 5। देयरफॉर जर्नल एंट्री पास कर रहा हूं मैं, जर्नल एंट्री पास कर रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी 75, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट 5, टू असेट 80। नरेशन लिख दोगे बिंग दिन 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 दिन। अब यही ट्रांजैक्शन घर पे जाओ, पापा को बोलो बेटो पापा इधर, एक स्टोरी सुनाता हूं। मैंने एक असेट परचेस किया 100 रुपए का, 2 साल भरपूर वापरा उसे, दिल भर गया, बेच दिया, कितने में? 75 रुपीज में। लॉस बताऊं कितना हुआ? 5 रुपया। समझ रहे? बापू ऐसा कान के नीचे खींचेगा ना, दूसरे दिन यहां आएगा बापू तुम्हारा क्लास में, दिलीप सर को बोलेगा मैं एडमिशन विड्रॉ कर रहा हूं सर। क्यों? क्योंकि इसको सीए बना के कुछ मतलब ही नहीं है। इसको सीए बनाऊंगा सर, 100 रुपए की चीज 75 में बेच के आया हुआ है, बोलते लॉस कितने का हुआ सर? 5 रुपए का। चलो ठीक है, तुमने बोला मैंने लिखा है हर चीज, तुम खाली घर पे जाके एक्सप्लेन करके आओ ये चीज के ऐसा कैसे हुआ, फिर मानता हूं मैं तुम लोग, तुम लोग क्या हो? कॉमर्स के बच्चे हो। ठीक है, दूसरी केस कर लेते हैं। केस टू, ओरिजिनल कॉस्ट, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं, 100, यूज द सेम 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10%, सेलिंग प्राइस अभी मैं रख देता हूं 95। चलो इंटेलिजेंट बच्चों बताओ फटाफट, नहीं नहीं हाँ एंट्री बताओ, चलो पहले बैंक अकाउंट डेबिट 95 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट 15 टू असेट 80। वेरी गुड। अब मैं क्या करता हूं ये लिख के बताता हूं तुमको, कुछ लोगों को नहीं समझता है कैसे आया ये, राइट? सो ओरिजिनल कॉस्ट वी हैव टू टेक 100 माइनस डेप्रिसिएशन ऑन एसएलएम फॉर 2 ईयर्स इज 20। देयरफॉर WDV एट अ टाइम ऑफ सेल इज 80। देयरफॉर सेलिंग प्राइस, नो ऐसे माइनस बिजनेस नहीं करने का, सेलिंग प्राइस कंपेयर सेलिंग प्राइस 95। सेलिंग प्राइस इज मोर देन WDV, लॉजिक तो है ना, माइनस प्लस की बात नहीं करता, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो, सर माइनस है फिर प्रॉफिट कैसे आया? नहीं ऐसे भी लोग होते, इसलिए नहीं लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो प्रॉफिट है कि लॉस है? हाँ, तो मैंने अपने मन को पूछा प्रॉफिट है कि लॉस है, तो मैंने 15 प्रॉफिट लिखा। आज फिर दूसरे दिन जाना, फिर बापू को बोलना सुनना एक और कैसेट बेचा। ठीक है, दिलीप सर ने बहुत कन्विंस करके आज भेजा था उनको, नहीं नहीं बच्चा अच्छा है पढ़ता है, हमारे ऊपर भरोसा रखो, उसके ऊपर नहीं है तो। ठीक है, आपने बोला उसको 100 रुपए का एसेट पर खरीदा था, यूज किया 95 रुपीज में सेल किया, तुझे प्रॉफिट बताओ? अब तुम्हारा कॉल है, वो थोड़ा और अच्छे से पढ़ाओ, थोड़ा अच्छे से पढ़ाता हूं, और बैलेंस शीट और पीएनएल का इफेक्ट पढ़ा दोगे क्या? मेरे बॉस ने मुझे एक दिन बताया था, राम कैन यू रीड बैलेंस शीट? मैंने बोला हाँ दे दो। लिया बैलेंस शीट, असेट साइड लायबिलिटी साइड फिक्स असेट करंट असेट, नहीं नहीं इसे रीडिंग नहीं बोलते। कैन यू टेल मी डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ जर्नल एंट्री ऑन बैलेंस शीट? क्योंकि जर्नल एंट्री से क्या होता है, फिर लेजर में जाते हैं, लेजर का ट्रायल बैलेंस बनता है और ट्रायल बैलेंस का बैलेंस शीट पीएनएल बनता है। द डे व्हेन यू कैन टेल डायरेक्ट इफेक्ट ऑन पीएनएल एंड बैलेंस शीट, नो दैट डे यू कैन रीड बैलेंस शीट, ऐसा होता है। समझा? लाइफ में एक ही चीज बनानी होती फाइनेंशियल अकाउंट में, बैलेंस शीट। उसके पहले जो भी बनाते हो ना, वो खाली उसका एक ही पर्पज होता है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस। इवन दो वी प्रिपेयर पीएनएल टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो बाकी पूरा जो अकाउंट्स में करते हैं ना, जस्ट टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। सो लेट अस सी यहां पे बैलेंस शीट पे और पीएनएल पे क्या क्या हुआ। यहां पे पीएनएल कैसे दिखेगा? ये पीएनएल है, मान लेना। ठीक है,
क्या करूं यहां पे, ये पीएनएल है, किधर लिखूं, इधर लिखूं, इधर लिखूं, इस साइड मैंने लिख दिया लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब ऐसा लिखते हैं क्या, हम ऐसा लिख सकता हूं क्या डायरेक्टली पीएनएल में? नहीं, मुझे यहां से ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहां से? यहां से ट्रांसफर करना पड़ेगा। इस एंट्री में दो रियल अकाउंट है और एक नॉमिनल अकाउंट है, बैंक है और ये। तो बैलेंस शीट में क्या क्या हलचल हुई? बैलेंस शीट में बैंक जो था ना, बैंक वो ऐड हो गया 75 से, और जो असेट था ना, असेट असेट लेस्ट हो गया कितने से? गलत लिख रहा हूं, असेट लिख कितना हो गया? 80 से। बैलेंस शीट टैली है क्या? नहीं सर, ₹5 का डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ₹5 यहां से लॉस माइनस हो गया तो बैलेंस शीट टैली हो गया। यस, ठीक है। इसके लिए एक एंट्री मारनी पड़ती है यहां पे, नॉमिनल अकाउंट हैज टू ऑलवेज राइट ऑफ अगेंस्ट पीएनएल। क्या एंट्री मारी हुई तुमने? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ₹5। इतनी बात क्लियर है? ऐसे यहां पे भी एक एंट्री आई होगी, क्या कहा होगा, लेकिन यहां पे पीएनएल को डेबिट क्या होगा कि क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट क्या होगा, क्योंकि इसको डेबिट करना है ना। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना? 15 टू पीएनएल अकाउंट 15। अब यहां का पीएनएल कैसे दिख रहा है? बाय प्रॉफिट, राइट, यहां पे 15। अब एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं, इसका आंसर दे दिया ना तो मैं सच में बैच छोड़ रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं, और उसके बाद मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? मतलब मैं कुछ और पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा लेकिन कुछ और पढ़ा, ये सब नहीं पढ़ाऊंगा तुम लोगों। पीएनएल में रेवेन्यू आइटम आते हैं कि कैपिटल आइटम आते हैं? वेरी गुड। ये प्रॉफिट और ये लॉस रेवेन्यू है कि कैपिटल है? सालो, अभी तो तुमने बोला पीएनएल में क्या आना चाहिए? रेवेन्यू। और ये दोनों क्या है? अच्छा, रेवेन्यू आइटम रिकरिंग होते कि नॉन रिकरिंग होते? रिकरिंग होते हैं। क्या फिक्स एसेट सेल करना, परचेस करना मेरा बिजनेस है? नहीं। तो ये ट्रांजेक्शन मिली रही रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है? और जो नॉन रिकरिंग होता है वो कैपिटल होता है, और जो कैपिटल होता है वो बैलेंस शीट में होता है, और जो बैलेंस शीट में होता है वो पीएनएल में नहीं होना चाहिए, और ये पीएनएल में है क्यों? क्या मैच किया तूने इधर? साले, मैंने डेप्रिसिएशन के बारे में 2-3 बार पढ़ा दिया, मैचिंग तो वही वापरेगा। नहीं, है तो मैचिंग ही सही है, तू ट्रैक पे, लेकिन तू साले ऐसे टुक्का मार रहा है। अच्छा, ठीक है, बात करोड़ है ये सब, छोटा आइटम है, 15 करोड़ का लास्ट छोटा आइटम है। कंपैरेटिवली छोटा होगा ना? नहीं, 15 करोड़ का आइटम कितनी भी बड़ी कंपनी होने दे, 15 करोड़ होता है, कितना भी बिलियन डॉलर कंपनी हो, 15 करोड़ है यार। अच्छा, और बढ़ा दूं? हाँ, ये 1000 करोड़ में है, तब तो होगा बड़ा, 150 करोड़ की बात हो रही है। तो ये ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग है? Non-operating. हाँ, तो पीएनएल में कैसे आया फिर? पीएनएल में आता है ना, नॉन ऑपरेटिंग मतलब फाइनेंस रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। हाँ, तो ये कौन सा रिलेटेड है? इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। नहीं, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। अरे, हाँ चलो, अब कैश फ्लो में चले गए, अब कैश फ्लो में चले गए। आपका ठीक है, पीएनएल में दोनों आते हैं, ऑपरेटिंग भी आते हैं, नॉन ऑपरेटिंग भी आते हैं। तो खाली नॉन ऑपरेटिंग आते तो मैं बात मान लेता आपकी, ऑपरेटिंग भी तो आते हैं, सैलरी देना ऑपरेटिंग है, वो भी तो आ गया। हाँ, तो दोनों आते तो भी तो ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? एबनॉर्मल है, इसलिए पीएनएल में ऐसे आप बता रहे हो, और नॉर्मल होता तो भी आता। अच्छा ठीक है, मैं और एक क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर उसका आंसर दे दोगे ना तो पक्का घर जाऊंगा। और एक केस ले लेते, केस 3 ले लेते, चलो। ओरिजिनल कॉस्ट 100, कंफ्यूजन चाहिए नहीं अपने को, ठीक है? यूज 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10%। चलो, सेलिंग प्राइस मैंने ले लिया 125। यस, अब बताओ। हाँ तो बोलो ना, एंट्री बोलो ना, बैंक अकाउंट डेबिट 125 टू
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट 45 टू यस ओरिजिनल कॉस्ट 100 लेस डेप्रिसिएशन 20 WDV सेलिंग प्राइस प्रॉफिट 45. Is there any difference between case 2 and case 3? अब घर पे जाओ, पापा को बुलाओ. पापा, मैंने एक असेट खरीदा 100 rupees में, 2 साल यूज किया, आज बेचकर आया हूं. कितने में? 125 है. प्रॉफिट बताओ? 45. पापा को खाली तू एक्सप्लेन करके दिखा 45 कैसे आया. अच्छा, पापा के हिसाब से कितना प्रॉफिट है? 25. समझा आपको? हाँ. अगर ये समझ में आ रहा है ना, तो आपको अकाउंट समझाता, नहीं तो अकाउंट नहीं समझाता. इसके ट्रांसफर की एंट्री कोई बता देगा तो सच में छोड़ दूंगा बैच. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 45 टू PNL एंड टू कैपिटल रिजर्व. नहीं बता पाओगे, मुझे पता है. PNL में जाएगा 20. अच्छा, ये रियलिस्टिक सिचुएशन है कि अनरियलिस्टिक सिचुएशन है? रियलिस्टिक है. मैंने बिल्डिंग बेचा है, बिल्डिंग मैंने परचेस किया जोगेश्वरी में 100 lakh का, 2 साल पहले, 2 साल यूज किया, डिप्रिशन प्रोवाइड किया 10% पे, आज बेचने गया 125 पे बिक गया साला. नॉर्मल है. अभी लॉजिक बताऊं, इसके पहले 2 PNL बने होंगे यहां पे, इसके पहले 2 PNL बने होंगे यहां पे, ईयर 1, ईयर 2 एंड ये ईयर 3 है. बिगनिंग में सेल कर दिया मैंने. अकॉर्डिंग टू मी आई थॉट दैट दिस एसेट इज डेप्रिशिएटेड एट 20 rupees, दैट्स व्हाई इट हैज वैल्यू ऑफ 80 rupees. दिस इज माय फीलिंग. कैन यू सी माय फीलिंग? या, एंड दैट्स व्हाई आई प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन ऑन ईयर बेसिस बिकॉज ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट. अंडरस्टूड? बट व्हेन आई रियली वेंट टू मार्केट टू सेल दिस पर्टिकुलर एसेट, आई कुड फेच ओनली 75 rupees एज अ सेलिंग प्राइस. That means what was actual depreciation? Are, if I could sell for 75, that means actual depreciation. But I had provided only for 20. That means either I can go in last to balance sheet and open and make it 12.5, right? Or second option, because anyhow I have to give effect to PNL debit side, I can provide depreciation here. Alright, I can provide depreciation here, yaar. This 5 rupees is not loss, this 5 rupees is additional depreciation that I did not provide in last year. It is just a rectification entry. Actual depreciation per year was 12.5. Samjha tumko? But I provided only 10. That means 20. Balance 5 rupees depreciation I am providing in current year. But not in the name of depreciation, in the name of loss on sale of fixed asset. This loss on sale of fixed asset is known as the terminal depreciation here. Bas wahi difference hai, baki kuch nahi. Aur yahan pe meri income tax ne bilkul sahi naam diya isko. ये क्या है? डिप्रिसिएशन ऑन टर्मिनेशन. डिप्रिसिएशन ऑन, ये है टर्मिनल डिप्रिसिएशन. समझा आपको? ये लॉस नहीं है, क्योंकि लॉस प्रॉफिट होता ना तो मैं कैपिटल गेन चैप्टर में चला गया. अरे फिक्स असेट बेचना, मेरे यहां पे कौन सा हेड खड़ा है उसके लिए? अरे आई हैव डेडिकेटेड हेड. नो, इफ आई सेल स्टॉक इन ट्रेड देन PGBP, इफ आई सेल माई बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी कैपिटल गेन. अंडरस्टूड? बट आई एम नॉट ट्रेवलिंग टू कैपिटल गेन बिकॉज this is not a capital loss, this is a revenue loss, because this is a depreciation that I did not claim in previous year, I am claiming in this year. Ab batata hu ye profit kaise hai fir? Yahan pe kya hua rahega last 2 years mein? Batao na, yahan pe kya hua rahega last 2 years mein? 10 debit kiya, theek hai. To I thought this has value of only 80 rupees. When I went to market, I realized 95 rupees. That means what is the real depreciation?
5, but I had debited higher depreciation than real depreciation. So, sir, current year mein rectification entry marni padegi. Kitna nullify karo mein? Kitna nullify karo? 15. Do debit kiya 10 20 rupya. Actual depreciation to 5 rupya hi hai. To 15 galat ho gaya. Yahan likh raha hu. Samjha? Is a profit ka yahan pe naam hai balancing charge. Kya naam hai? Balancing charge मतलब जो ज़्यादा depreciation claim कर लिया था अभी उसको income मानो under section 41. 41 क्या है? Deemed income. तो ये 15 रुपए income है मेरा. लेकिन is it my normal business income? Normal? No. This is not normal activity. This is abnormal activity. Exceptional activity. Taxable or not taxable? Taxable. Under B section 28? No, sir. Dedicated section 41. Balancing charge. Deemed section. बात clear हो रही है अभी? कुछ तो चीज़ें clear हो रही है क्या? घर पे आके चार बार इसको इवैल्यूएट करो, समझ में आ जाएगा. ठीक है. एंड देन दिस सिचुएशन, लेट्स कम टू दिस सिचुएशन. इन दिस सिचुएशन देयर इज अ रियल प्रॉफिट. आई कैन से इन दिस सिचुएशन देयर इज अ, सी दिस 15 रुपीज इज नॉट रियल प्रॉफिट, बट हियर वी हैव रियल प्रॉफिट. बट हाउ मच? 25. क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स में क्या हुआ रहेगा, 10 रुपया तूने डेबिट किया होगा, जबकि प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट हुआ ही नहीं है. प्रॉपर्टी तो एप्रिशिएट हुआ है. तो पहला जो गलत किया वो ठीक कर. तो कितने तक ठीक करेगा? यहाँ पे जो नालायक 45 दिखेगा वो गलत है. क्यों? पूरा प्रॉफिट पीएनएल को क्रेडिट नहीं कर सकता क्योंकि पूरा डेबिट ही नहीं किया था. तो ऊपर का जो 25 है उसको कैपिटल प्रॉफिट बोलते हो. कैपिटल प्रॉफिट जाता है कैपिटल रिजर्व में, डायरेक्ट बैलेंस शीट में. ऐसा अकाउंट्स में होता है, यहां पे नहीं करना है. अकाउंट्स में क्या होता है वो समझ में आया? ऐसा लगा होगा ना कि अकाउंट्स का लेक्चर है. अकाउंट्स का लेक्चर नहीं है. यहां पे इसके दो प्रॉफिट है, एक है 20 रुपीज का और एक है 25 का. ये जाएगा बैलेंसिंग चार्ज में. ये कहां जाएगा? बैलेंसिंग चार्ज. कौन से सेक्शन में? 41. ये 25 चला जाएगा कैपिटल गेन चैप्टर में. अलग ही चैप्टर चेंज हो गया इसका क्योंकि ये रियल गेन है. और ये टैक्स होगा अंडर सेक्शन 50A में होगा. कहां पे टैक्स होगा? 50A में. इट कैन बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. वो क्या होता है वहां पे पढ़ाऊंगा. ठीक है. बैलेंसिंग चार्ज को कैसे निकालते हैं, इसको कैसे कंप्यूट करते पता है? इसको कैसे कंप्यूट करते पता है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस WDV. ओरिजिनल कॉस्ट माइनस, तो इसको कैसे कंप्यूट करते होंगे? सेलिंग प्राइस माइनस, अरे कैसे आया होगा सेलिंग प्राइस माइनस? मतलब ये कौन सा सिचुएशन है पता है? सेल बियॉन्ड ओरिजिनल कॉस्ट. सेल बियॉन्ड. और ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत रेयरली होता है. होता है लेकिन रेयरली होता है. एंड मेजरली इट विल हैपन ओनली इन द केस ऑफ बिल्डिंग. लैंड तो बोल नहीं सकता क्योंकि लैंड डेप्रिशिएबल एसेट है ही नहीं. लैंड तो ऑलवेज एप्रिशिएट होता है. तो बिल्डिंग के केस में ही होगा. या तो तुम्हारे पास ऐसा कोई स्पेसिफिक, जैसे रॉयल इनफील्ड का कोई बहुत पुराना मॉडल है, क्लासिक मॉडल है, जिसका बुक में वैल्यू कुछ भी नहीं है लेकिन आज भी लोग खरीदने के लिए रेडी है. 100 साल पहले की कोई कार है, 100 ईयर में तो पूरा रिटर्न ऑफ हुआ रहेगा लेकिन आज भी लोग परचेस करने के लिए रेडी है. ऐसा कुछ होता है तो बहुत एंटिक चीजों में हो सकता है या तो बिल्डिंग में हो सकता है. क्लियर है? चलो पूरा लिख लो. नहीं सालों तो टाइम पास कर रहा था मैं इतना सब.